प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से दाखिल किया नामांकन। मौके पर दिखी एनडीए घटक दलों की ताकत। वाराणसी में जुटी प्रकाश सिंह बादल, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, उद्धव ठाकरे समेत कई हस्तियां। प्रधानमंत्री ने बूथ कार्यकर्ताओं को दिया हर बूथ जीतने का मंत्र और रिकॉर्ड मतदान का मांगा संकल्प। चौथे चरण का प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री की मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में रैली। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की राजस्थान के जालौर में जनसभा और जोधपुर में रोड शो। बिहार के समस्तीपुर और बालासोर में राहुल गांधी की रैली। एसपी और बीएसपी के दिग्गजों ने भी प्रचार में झोंकी ताकत। ब्लॉग के जरिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फिर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, चुनाव में कांग्रेस मुकाबले से बाहर और राहुल गांधी समय से 48 साल पीछे। सकारात्मक सोच वाले न्यू इंडिया में नकारात्मकता मंजूर नहीं। वित्त मंत्रालय ने ईपीएफ पर ब्याज दर को बढ़ाकर 8.65% करने को दी मंजूरी। 6 करोड़ से अधिक कर्मियों को मिलेगा फायदा। वित्त वर्ष 2017-18 में ईपीएफ पर ब्याज दर 8.55% रही। और आरबीआई बैंकों से जुड़ी जानकारी देने की पॉलिसी की समीक्षा करे। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। कहा, बैंकों के सालाना निरीक्षण से जुड़ी जानकारी सूचना के अधिकार के तहत उपलब्ध करवाई जाए। आरबीआई ने आरटीआई के तहत बैंकों की सालाना रिपोर्ट की जानकारी देने से किया था इनकार।